यहाँ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? Really good. It's okay. You can say Hindi. मुझे समझ में आती है. Great. बहुत अच्छा. तुम कर क्या रहो भाई? एक नया रूल आया है. हर एक पेट के बॉडी में एक चिप अटैच्ड करना होगा. इससे वो लोग कभी गुम नहीं होंगे. और अगर कभी गुम हो गए तो उन्हें हम इस चिप के हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं. अब ये हमारे पेट से तो हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है. क्या ये लीगल है? हाँ हाँ. अच्छा, क्या ये सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों के लिए है या फिर यह सारे जानवरों पर लागू होता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि शेर, बंदर, सीख, मेरे कहने का मतलब इनके बारे में था. हाँ, पर अगर ये पेट के लिए नहीं है तो फिर ये इलीगल है. एनीवेज इट्स फाइन. ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे हम कब से चल रहे हैं? आखिर बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? तुझे कुछ बोलना था इसलिए तूने मुझे यहां पर बुलाया है ना? तो बताना कि क्या सीक्रेट बोलना है तुझे. तेरे से पूछ रहा हूं कुछ. सुन, ये क्या उस बारे में जो ईव ने पहले बताया था? मैं तुम्हें इस बारे में बताने हेलो हेलो, क्या कहा? कार से टक्कर? हेलो, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो हेलो, सुनो ये बताओ कि अभी वो कहाँ है. हेलो हेलो, सुनो मारन कौन है? मैं हूं मारन. तेरी तो तुझे समझ में नहीं आता? तुम्हारे साथ और एक आदमी था, मोटा सा है. अगर तुम्हें इतने परेशानी है तो आओ चलो. ये क्या है? जल्दी से बताओ. इसी ने चुराया होगा. है दोबारा ऐसा मत करना. किसी अच्छे से मसाज पार्लर में जाके अच्छे से मालिश करवा. चल जा. सर, इतना गुस्सा करना जरूरी है क्या? बस इस उंगली को ऐसे मोड़ दो या छठी पसली के दो उंगली नीचे मारो या ऐसे मार लो तो बहुत दर्द होता है. अगली बार जब आप ऐसे मिशन पे जाएंगे तो अपने इंस्पेक्टर को बोलो मारन ने जो टिप दी थी वो ट्राई करते हैं. ये बॉल कहां से आई? सर, आपके हाथ में जो बॉल है ना वो मेरा है. तेरी तो हाँ, जल्दी से वहां दो गोनी चावल भेज दो.
हाँ, अभी अभी तो बात हुई थी। 5 मिनट तो कब के हो चुके हो? अरे तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत काम है। क्या आप शादी के लिए सब्जी और चावल भेज रहे हैं? अरे नहीं रे बाबा, ये रिलीफ कैंप के लिए है। क्या करे, राजनीति में हूँ ना मैं। मुझे तो लगता है कि बाप की शादी करने में कैसी दावत। अरे बाबा, छोटी सी तो दावत रखी है, लेकिन तुम क्यों इतना टेंशन में हो? आप अकेले नहीं आ रहे ना? मारन भी मेरे साथ आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये दोनों ट्रिप के लिए है ना? नहीं नहीं, वो नहीं है, सिर्फ लेडीज और बच्चों के आइटम लेके जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, क्या पूछ रही थी? मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहें, और अगर आपने कोई गलत काम किया ना तो याद रखिए, मैं आपको कोर्ट में डिफेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे बाबा ऐसे मत बोलो। वैसे भी दोनों व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। नहीं, उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का कोट भी पहनती हूँ। कोट तो उतार सकते हैं। बेटी ज्वाला। हाँ ओके ओके, टाइम पे आ जाना। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. हाँ, अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबा, वो मुझे दारू के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं। उन्नी मामा, हाँ, सुबह 6:30 से 7:45 के आसपास गांव के मंदिर में। हाँ राधा आंटी, हाँ हाँ, वो सुबह जरूर आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा मनु, तूने वो LED वॉल और प्रोजेक्टर के बारे में पूछा था ना? अरे नहीं यार, व्हाट्सएप पे भी उसका कॉल नहीं लग रहा है ना, और उसका घर उस लड़की के बगल में ही है ना, तो तू उसे कॉल करेगा? हाँ क्या हुआ? ये यहाँ पे बेडरूम डेकोरेट करने के लिए आए हैं। ये देखो, चमेली का फूल मिला है। हाँ क्या हुआ अंकल? पहले लड़की आ जाने तो उसके बाद हमें जो देना है दे देंगे। ये कार क्यों लेके आए? तुमने तो कहा था लैम्बोर्गिनी लेके आओगे। क्यों नहीं लाए? बोलो ना। वो इस ओकेशन के लिए नहीं थी, किडनैप करने के लिए। लैम्बोर्गिनी क्यों? किडनैप करेंगे मर्जी के खिलाफ? यार तू ऐसा कुछ करने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं कर देता? अरे ऐसा नहीं है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। तो फिर वापस चलते। मुझे टेंशन मत दिया अभी। तो फिर चल। तो नहीं बोल रही होगी ना? देख, पहले डिसाइड कर। तू दो नाव पे एक साथ सवार नहीं हो सकता। अब चल। शॉप पर आना चाहती है।
उठने की जरूरत नहीं है, सोई रही है। मुझे कॉल मत करना और ना ही किसी को पूछना। मैं वापस आऊंगी पापा। सब सुन रही है? आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ आओ आ जाओ। मारन किसी को बताना मत मुझे यहां देखा। ज़्यादा टाइम नहीं है, रुकना मत, जल्दी जाओ। वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। ए, अरे ज्वाला कहाँ है? कोई नहीं था, चल चल गाड़ी निकाल, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो क्या उसने मुझे धोखा दिया? हाँ शायद। वरुण! अरे वो आ गई यार। एक बात बता, तूने इसे ठीक से ढूंढा नहीं था लगता है। अरे कहाँ थी तुम? फोन पानी में गिर गया था, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाया, सॉरी। कोई कहाँ ढूंढ रहा था तू इसे? तुम गाड़ी में बैठो। तुम लोग चले गए होंगे। जल्दी बैठो। जल्दी चलो। तुम्हारे पापा को शौक लगेगा क्या? हेलो। हाँ दिवाकर जी। नहीं मैं पुरुषोत्तम हूँ। अच्छा, मैं वरुण बात कर रहा हूँ। जो एक लड़का ज्वाला से शादी करने आया था ना, और आपने रिश्ते के लिए मना किया, तो अभी तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि शादी हो चुकी है। ओह, जान के अच्छा लगा। तुम्हारे पापा भी ना। चुप रहो। हैं? उसका चेहरा नहीं दिख रहा, पता नहीं फोन पे क्या हुआ। क्या होगा? ए वरुण सुनो। क्या क्या? अरे फोन काट दिया। अच्छा, हाँ काट दिया यार। चल छोड़ना, एक और रास्ता। दोबारा कॉल करूँ? अरे क्या हुआ, आपने फोन क्यों काट दिया? अरे भाई मैं सुबह से काम में बहुत बिजी हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? आपकी बेटी से मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा तो... बता... हेलो हेलो हेलो, ससुरा डर गया लगता है। अच्छा चलो चलते हैं। सॉरी सॉरी, तुम ड्राइवर की सीट में बैठो, तुम्हें आगे बैठो, ये मुझे तुम बैठो। हाँ बोलो। ये कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ।
कैसी लग रही हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा। थैंक्स। क्या हुआ, वो पहुँच गए क्या? वो घर पहुँच गए। हाँ, वो सच में आ गई क्या? क्या बात है। हाँ, अच्छा है ना, अपने दोस्त की भगा के शादी कराने के बाद यहाँ पर आया है ये। ठीक है, मैं चलती हूँ। ईव, तुम जा रही हो? बहुत टाइम हो गया है ना। एक्चुअली बात नहीं कर पाया, मैं बाहर था। और हम अंदर थे। मैं बस यहाँ ड्रेस लेने आई थी, मुझे एक फंक्शन में जाना है, चलती हूँ। उसका ड्रेस तुम्हें उससे ज्यादा सूट करेगा। मैं जा रही हूँ। hey, क्या हो? तुम जाना चाहती हो? जाओगी? लगता है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता, चलो जल्दी। बस हो गया, आती हूँ। ओके ओके, मैं ज्वाइन करता हूँ। हाँ वरुण। हाँ, तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा? मैं पतला हो गया हूँ ना। हाँ, मैं और हैंडसम बनने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कैसा है? हाँ, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? बस ये खत्म हो गई। मैं मैनेज कर लूंगा। मैं, चलो जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है तुम्हारी। कैसी केयर? तुम ए, आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए इसे घर पे ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। जूम मीटिंग है ना, चलो बाय। हाँ, कोई बात नहीं। तुम ऑफिस में स्कूटी पे नहीं आ सकती क्या? अच्छा जी, जब कोई फ्री में छोड़ने वाला हो तो एनर्जी की वेस्ट करो। अब चलो।
बेटा। हाँ। हमेशा राजू ये काम करता है, पर आजकल हाँ। तो प्लम्बर लोग भी इंजीनियर की तरह बिजी होते हैं। आजकल के इंजीनियर बेकार हैं, हम जैसों के पास काम बहुत है। देखो देखो वो देखो चूहा, इसने पूरा घर खराब कर दिया है। चूहे दानी भी लगाई पर ये मरा नहीं। इस जगह को देखो, पूरा खराब करके रख दिया है इसने। अरे वाह क्या बात है। क्या तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इवान। ये कपड़ा किसका है? इसी का है। ये मेरी फ्रेंड का है। अच्छा हाँ ईव का है, उल्टा था तो पता ही नहीं चला। तो यही उस दोस्त का घर है जहाँ वो अक्सर आती जाती रहती है। दोस्त? यही है ना? ओ तुम कौन हो? दरअसल हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? उसने कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। अच्छा आओ बैठो ना। नहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। माँ? हाँ हाँ बोलो। वो आपने पैसे नहीं दिए। अरे रे 300 रुपए। बेटा इनके पैसे लेके आना। हाँ अभी आई, भूल ही गई थी मैं, सॉरी। माँ? हाँ? वो मुझे पसंद नहीं करती है, उसे मेरे बारे में मत बताना। किस बारे में बेटा? वो थोड़ी अजीब है, मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा आती जाती रहती है ना। ईव को इस बारे में नहीं बताया है? उसे बचपन में एक सदमा लगा था, वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता। वो दवा खरीदती तो है लेकिन खाती नहीं है। अगर उससे पूछता हूँ तो बड़ी बड़ी बातें करती है। भैया पैसे आ गए? हाँ हाँ मैसेज आ गया। वो मेंटल नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। चलता हूँ। सर ये बिल्डिंग स्टेप्स के लिए पूरे खर्चे की रिपोर्ट्स है, प्लीज एक बार आप चेक कर लेंगे क्या? बाद में मैं इसको सबमिट कर दूँ। अरे आइए आइए। क्या वरुण, सुना तुमने पुरुषोत्तम की बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया? वो तो हो गया। पता चला, मैं उससे मिला था और बोला कि वो तुम्हें माफ कर दे। और ये वो लड़की है जिसके पास एक ऐप चिप चिप चिप, इसके पास एक चिप है। एक बार हम किसी के शरीर में लगा दें तो वो जहां भी जाएगा हमें पता चल जाएगा। जब बच्चे किडनैप्ड होते हैं तो हम इससे उन्हें ढूंढ सकते हैं, पर हमें उसके लिए नहीं चाहिए। अगर हम इसे अपोजिट पार्टी के किसी के ऊपर लगा दे तो हम उसे फंसा सकते हैं। तुम इसकी बात सुन लो। ओके ओके समझा दो, अच्छे से समझा दो। बताइए। हम पहले मिले हैं ना? नहीं तो ओके। तुम तो वही हो ना जिसने माधव का घर रेंट पर लिया हुआ है? ओह तो हम नेबर्स हैं, अब समझी। ओके सर, ये प्रोडक्ट हमारी चाइनीज कंपनी जिसका नाम कुड़कू प्राइवेट लिमिटेड से है। ओह ये चाइनीज प्रोडक्ट है? हाँ सर। KUDUKKU। ये हमारा चिप रिसीवर है, इसे हाथ में पहनना होगा। पहनना थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। अब कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए सर, चिप के साथ वाला इंसान जहाँ भी जाएगा आपको इसमें मैसेज आएगा कि उस इंसान ने अपना स्पॉट चेंज किया है। इजिली ट्रैक कर सकते हैं। वन मिनट सर। देखो तो कुड़कू। अब ये बिल्ली किस लिए? एक मिनट सर। हाँ। ये है चिप स्कैनर। ओह। इस चिप को बिल्ली में फिक्स करेंगे। अच्छा इसके पंजे में? अच्छा हाँ, देखिए। ओके ओके ब्लिंक हो रहा है। अरे बिल्ली तो चली गई। जाने दीजिए। ये चाइनीज प्रोडक्ट है ना तो मुझे परफेक्शन फील नहीं हो रहा है। डोंट माइंड सर, ये काम करता है, जल्दी पता चल जाएगा। देखिए वो अब रोड पर पहुंच गई है, लोकेशन दिख रहा है।
जब वो फिर से दूसरी जगह जाएगी तो आपको यहाँ पर मैसेज आएगा। अच्छा, अच्छा, चिप जिस पर भी लगा है वो जहाँ भी जाएगा हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। और इसे बॉडी में फिक्स कैसे करते हैं? बस चींटी के काटने जितना दर्द होता है। ओ। ये चिप गन है। हाँ। कहीं भी फिक्स कर दीजिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये अंदर चला गया। बेस्ट। मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, चींटी काटने जितना ही होगा ना दर्द। लेकिन अब हम क्या करें? देखो मैसेज आ रहा है, वो बिल्ली शायद किसी पुराने कुएं में गिर गई है। अब हम करें क्या? मैं क्या करूं? चुप रहो, वो आ रही है। इसको क्या हो गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाय। बेटा क्या पियोगी तुम? नहीं कुछ नहीं माँ। जाओ पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, ये ले तुम्हारी ड्रेस। हो गया? कैसा था तुम्हारा इवेंट? बहुत अच्छा। अच्छा वो अच्छा, एक मिनट। हाँ तुम चलो, मुझे कुछ बताना है। मैं क्या हुआ? मुझे क्या पता। तुम्हारा कोई भाई है क्या? नहीं। तुम्हारा भाई नहीं है? कहा ना नहीं है। क्यों क्या हुआ? तो इवान कौन है? तुम कैसे जानती हो उसे? मैंने कहा तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? मधु तुम कैसे जानती हो उसे? मैंने उसे तुम्हारे फेसबुक पोस्ट के कमेंट बॉक्स में देखा, मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने पूछ लिया, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्या पता है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुनो, उससे कोई रिश्ता मत रखना। किससे? इवान से। ओके। मेरा मतलब है तुम उसे जानती नहीं हो तो ये सब ठीक नहीं होगा। अच्छा ओके, मैं बस आती हूँ। ईव, कॉलेज में पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले रही हो? कौन ये सारी बातें फैला रहा है? हैं? किसने बताया तुम्हें? उसने बताया मुझे। सुनो, अभी तुम अच्छे मूड में हो ना? क्यों? नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बताओ ना। अगर तुम अच्छे मूड में हो तो मैंने सोचा मैं बाद में बताऊंगा। क्या? सुनो, बुलसाई लेकर आऊं? हाँ लेकर आओ। सिंगल? अगर ये बुलसाई के बारे में है तो कोई एतराज नहीं, अगर ये मेरे बारे में है तो। तुम्हारे बारे में है तो? तुम्हें क्यों जानना है? तुम हमेशा घर में रहते हो ना? नहीं, मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। कंपनी का नाम है ऐश्वर्या एक्सप्रेस। ऐश्वर्या एक्सप्रेस? ये वही चेन मार्केटिंग कंपनी ना? हाँ, तुम्हें पता है? लेकिन इतना ही नहीं है, मैं एक जिम ट्रेनर भी हूँ। अच्छा। इफ तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। बुलसाय रेडी है, आ जाओ। तुम जाओ। हे, क्या तुम सच में इवान को फेसबुक से जानती हो? हाँ पर क्यों? कुछ नहीं। ईव, मुझे बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मतलब
हम दोनों इतनी बार मिल चुके हैं, मेरे बारे में क्या लगता है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं लगता? अगर कोई ऐसा मशीन होता जिससे लोगों के दिमाग पढ़ पाते तो बहुत अच्छा होता है ना। इसमें क्या अच्छा होता? नहीं, पता चल जाता कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं। और फिर? अगर ऐसी कोई मशीन सच में होती तो मुझे पता चलता ना कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मारन, मेरी पसंद मेरी प्राइवेसी है, तुम्हें इस बारे में क्यों जानना है? मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देती हूँ क्या? मेरी जिंदगी में प्राइवेसी की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में है। की जिंदगी में दखल देकर मदद नहीं कर सकते। मदद बिना मांगे भी कर सकते, तुम्हारी कुछ मदद करना। भैया यहां पर आओ। सॉरी। क्या हुआ? कुछ सीरियस है, जल्दी आओ। चलो आओ। ज्वाला अब तक नहीं आई। तो कल मिलते हैं फिर। ओके ओके बाय बाय। क्या है? क्या हुआ? पर मुझे पता ही नहीं था कि तुम ईव के भाई हो। ईव से बात हुई थी क्या? नहीं नहीं, जस्ट हाय बाय। ईव मेरी बहन की दोस्त है। ओ।
अच्छा भैया, वो ईव को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी माँ को उसके बारे में बता दिया। अरे मुझे नहीं पता था वो इस तरह से फैला देंगी, अब उसे भी पता चल गया होगा। मेरी माँ ने किसी को नहीं बताया, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने सुना है। सॉरी। हॉस्पिटल में लोग क्या करने आते हैं? ईव, तुम्हें कोई टेंशन में चले गया? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? नहीं। झूठ मत बोलो। अरे अय्यप्पा स्वामी की कसम, अपने एक दोस्त से मिलने आया था। पक्का? हाँ पक्का। देखो तुम चाय पी लो, ठंडी हो रही है, पी लो। और बोलो। तुम बोलो। बोलो। अच्छा, लिविंग टुगेदर के बारे में क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे पूछ रहे हो? हाँ। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तुमने तो कहा था बोलो। उस दिन घर में भी क्या तुम यही बोलने वाले थे? उस दिन घर में भी क्या तुम यही बोलने वाले थे? क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? उस दिन मैं जब गा रही थी तो तुमने उसे रिकॉर्ड करके किसी ग्रुप में पोस्ट किया था ना? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन मैंने नाम नहीं लिखा था। फिर भी मुझे पता चल गया। तुम्हें इतनी भी कॉर्टेसी नहीं है कि अपलोड करने से पहले एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछो? ईव बस एक गाना ही तो था। तुम अपनी पर्सपेक्टिव से कैसे जज कर सकते हो कि दूसरों पर क्या इफेक्ट होगा इस बात का? तुम इतनी छोटी सी चीज पे इतना गुस्सा क्यों हो रही? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? पर क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? कोई सलूशन ढूंढोगे? हाँ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। मारन, माना तो मुझे अच्छे लगते हो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं आती या फिर प्यार महसूस नहीं होता। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, अब तक तो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आई। और अगर तुम मुझे टच करोगे तो भी मुझे कुछ फील नहीं होगा, समझ गए ना? तो ये सब बंद करो। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम यहां नहीं रुक सकती, और मुझसे आज के बाद कुछ मत पूछना। तुमने उसे पैर में फंसा ही दिया है? तुम कुछ सीरियस प्लानिंग कर रहे थे इसलिए मैं वहां बैठा था। वैसे मारन, मैंने सुना था पुलिस तुम्हें ढूंढते यहां आ गई थी। तुमने उन्हें मेरा नाम तो नहीं बताया ना? कुछ नहीं बताया। मुझे पता था तुम नहीं बताओगे। छोड़े ये सब, तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये गलत बात है। छोटा सा घाव है। चलो आओ, चलो बाहर जाते हैं। चलो आ जाओ। तुम्हारे पास 2000 है क्या? क्यों? मुझे बिल देना था। पहले बताओ हाथ में क्या हुआ? एक आदमी ने काट दिया। पागल था बेचारा। मेरे घर के पास ही रहता है। दरअसल उसके जमीन से मैंने कुछ मिर्ची चुरा ली तो उसने मेरे हाथ को काट दिया और मेरे जांग पर भी। हे भगवान। पर टेंशन मत लो, मैंने उसके घर को ही तोड़ दिया और उसकी दीवार भी तोड़ दी। अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मुझे
5,000 की जरूरत है। अरे पैसे नहीं है मेरे पास। झूठ बोले कौवा काटे। झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डिप्रेशन में हो, दुखी हो? डिप्रेशन नहीं है। तो उस लड़की ने तुम्हें हाँ नहीं बोला? दारू पियोगे क्या? ये कौन दुश्मन एरिए में आया रे, नारियल के पेड़ों पर कर रहा जो कब्जा रे, सारे इलाके का मैं हूँ मुखिया रे, मैं किसी गांव का काला हीरा रे, काली है नीयत धंधा है काला रे, पैदा हुआ यहाँ बंधा में काला रे, काले तगाड़ा चीरो कड़वा रे, कटी फसल छुपा रखी होता को रख धंधा, खुशहाली को कैद में रखता कोई बंदा, लहरा नहीं झूम नहीं फिर सा फसल भैया, सड़ने ना देंगे गोदामों में ये फसल भैया, आज बड़ा सुख है मेरा नाचूंगा मैं भैया, जश्न मने धूम मचे जलते करो भैया, खुशियों के है दिल बड़े खुशियाँ मारो भैया, पर्व सा त्योहार सा माहौल है ये भैया, दिंचना 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 मेरे साथ आओ, हम अभी आते हैं, चलो ना। वो यहाँ क्यों आई है? मेरे हाथ में वो जैकफ्रूट लगा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मेरा फोन नहीं उठा रहे और व्हाट्सएप पे भी मेलोड्रामा कर रहे हो। मैंने तुम्हें परेशान किया क्या? नहीं किया ना। ए, वो मेरी प्रॉब्लम है, और क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जैसे उदास बैठे हो? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम्हारे पेटी सेंटिमेंट्स और तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? ये कहने के लिए यहाँ आई हूँ? फालतू। सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल रही। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगा वहाँ कोई है। कहाँ? वहाँ। सॉरी। हाँ तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। चुप रहो ना, थोड़ी देर चुप रहो, सुनने दो। माँ, वो कहाँ जाना है बोल रही थी? कितनी बार पूछोगे तुम? उसने सुबह तुम्हें बोला तो था कोडाकेरा जा रही है। अरे उसका कॉल नहीं लग रहा है, शॉपिंग करने जाना है ना इसलिए। हाँ, तो मुझे कैसे पता होगा? माँ। हाँ। अरे माँ। हाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
सुनो, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इससे इतने अफेक्ट हो जाओगे। देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पर मुझे है, मुझ पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थोड़ा मच्योरली इन सबको हैंडल करो। देखो, मेरी तरह देखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कंपनी भी दूंगी, काफी है। मेरी तरफ देखो, अपना फोन दो। फोन दो। स्माइल। हेलो, हे, मैं तो कब, रुको, मैं वहां पहुंचती हूँ, मैं जा रही आज कहाँ थी तुम? क्यों, क्या हुआ? बताओ ना। दरअसल मैं एक केस के सिलसिले में कोडा केरा गई थी आज। तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? नहीं, मैं आज जड़ापल्ली में था ना, तो लगा तुम्हें वहां देखा। मुझे? मैं क्या कोई जादूगर हूं जो एक साथ में दो जगह रहूंगी? तुम जरूर किसी लड़की का पीछा कर रहे होगे, है ना? कुछ भी। काला? हाँ, वही तो। वो लड़की कौन है जो हमेशा यहाँ आती है? हाँ, कौन? उसका यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। तुमने उसे नहीं बताया ना? थैंक यू। उस दिन मुझे डाउट हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा किया, सॉरी। कोई बात नहीं भैया। मारन, जरा सुनना। एक मिनट। मुझे डाउट तो तब हुआ जब तुमने कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तुम्हारा दीप ही नहीं दिख रहा था।
मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि तुम सच में लड़का हो या लड़की हो। एनीवे हम ऑमलेट खाकर बात कर सकते हैं ना? ए भैया, एक डबल ऑमलेट जल्दी से लाओ। सर, उसकी कुछ चीजों पे तुम्हें ध्यान देना होगा। अगर वो अपने आपे से बाहर नहीं जाती तो ठीक रहती है। आपे से बाहर मतलब? अब वो मैं कैसे बताऊं? वो अभी भी तुम्हारे घर जाती है। लगता है उसे वो जगह पसंद आ गई है। अच्छा याद करो, उसने कभी तुमसे वो करने को मना किया जो उसे पसंद ना हो? तुम वही किया करो, फिर उसका असली चेहरा देखोगे। भैया आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब उस दिन मैं टॉयलेट गई थी। फ्लश काम नहीं कर रहा था। जब मैंने उसका लिवर खींचा तो टॉयलेट से इंसान का आधा कटा हुआ। क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया? पर जिन्होंने भी मुझसे ये सुना वो जिंदा नहीं है सर। उसका नाम क्या बताया तुमने? अरुण। उसके बारे में जो बता रहा हूं वो उससे भी ज्यादा है। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे परिवार को भी पता चल जाएगा। कहाँ है? मैं फोकस नहीं कर पा रहा। कहाँ है? हाँ, अरूर, वो लोग अरूर पहुंच गए। अरूर पहुंच गए? बालाकृष्ण, हाँ? अरूर में पार्टी मेंबर्स को कॉल करो और बोलो सब इंतजाम करें। अगर वो किसी भी फ्लैट में जाते हैं तो पूछताछ कर। हाँ, ठीक है। ओके ओके ओके। गए वो लोग, गए। अरे ये मेरी धोती है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या ढूंढ रहे हो?
अभी किसके शरीर में है? शरीर में नहीं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के पैर के नीचे। हमें पहले अपने पार्टी मेंबर्स के अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, हमें सब पता लगाना होगा, है ना? हाँ, पता लगाइए। देखो इसे, ब्लू लाइन को देखो, देखो देखो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जरा एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट? तुम्हें भी अर्जेंट काम है? आजकल ये यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं रहता है, कुछ प्लान कर रहा है क्या? क्या आप उसकी बॉडी में एक चिप नहीं लगाएंगे? लगा दूं? ठीक है फिर। ये कैसा है? ये वाला नहीं, कोट में पहनने के लिए अच्छा है ना? इसे वहां रख दो, ऊपर जाके देखते ना। हाँ? ऊपर चलते हैं। ऊपर कुछ अच्छा नहीं है, मुझे लगता है वहाँ देखना चाहिए। तो फिर वहाँ देखते हैं। हाँ, हम 10 शट ले लें। 10? बहुत अच्छा। हाँ सर, ये देखो। हाँ, ये अच्छा है, ये भी ठीक है। ए, तू कर क्या रहा है? मैं कब से ऐसे ही बैठा हूँ। अरे चलते हैं ना जल्दी। एक मिनट आओ। इसे बस यहाँ पर फिक्स करना होता है और उसके बाद अच्छा, देखना। हम ठीक किसी है। को भी ट्रैक कर सकते हैं। फोटो अपलोड क्यों की तुमने? ईव, तुमने तो वो फोटो क्लिक की थी ना? मैंने उस दिन वो पिक तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ली थी, सबके सामने एग्जिबिशन करने के लिए नहीं। जरा भी अकल नहीं है? वो फोटो देखो, हम एक ही रूम में एक बेड के ऊपर हैं। मेरी भी प्राइवेट लाइफ है, तुम्हारी भी है और सबकी होती है। ये लो, निकाल दी फोटो। अब सब खत्म हो गया ना? खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या? बताओ खत्म हो गया? जब से तुमसे मिली हूँ सबसे डर डर कर जी रही हूँ। लेकिन क्यों? तुमने अपने दोस्त को बताया कि हम दोनों क्लोज हैं और तुम मुझे पसंद करते हो? दो दोस्तों, मेरी परमिशन के बिना तुम अपने दोस्तों को मेरे बारे में कुछ भी कैसे बोल सकते हो? मैं? तुम मुझे शांति से जीने नहीं दोगे क्या? घर में, पड़ोस में, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ क्या चाहिए? ईव, देखो मेरी बात। तुम मारन नहीं हो, दोबारा मेरे सामने मत आना। ईव, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है? फोटो तुमने क्लिक की थी ना? मैंने तुम्हारे पोस्ट करने के लिए वो क्लिक नहीं की थी। तो फिर क्यों की थी? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए की। प्राइवेसी थी? को लेके इतनी दिक्कत क्यों है? तुम इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो क्या? प्रॉब्लम है? तुम्हें लगता है तुम दुनिया में अकेली रहती हो क्या? तुम्हें इससे बिना पूछे अपलोड क्यों की? बस मुझे जानना है, जानना है मुझे। तुम क्या प्रॉब्लम? कौन हो पूछने वाले? मुझे जानना है। मैं सबसे डर डर के जीना पड़ता है मुझे तुम्हारी वजह से। लेकिन क्यों? कल थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज। श्योर। हाँ। ज्वाला। हाँ। तुम्हारा बैग। अरे ये कैसा बैग है? हुँ? हम मार्केट से एक अच्छा बैग भी तो ले सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये अच्छा लगता है। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ चलो बाय। ठीक है बाय। कल सुबह हम दोनों मंदिर चलें क्या? नहीं, मैं नहीं जा सकता, कल सुबह मुझे कुछ काम है। सुबह जल्दी चले जाएंगे ना? सुबह पंचायत जाना है मुझे। 6:30 बजे पंचायत? क्या हुआ है तुम्हें? ए, छोड़ो ना। कोई बात नहीं, चलो चलो।
कौन हो सकता है? ये वो लोग नहीं है जिसने हमसे पंगा लिया था, वो सब अब दीवार में लटके हैं। मारन, मैंने दो लड़कों के बारे में बताया था जो लापता है, उनके दोस्तों ने पुलिस को बताया है कि उनको किसने कार में बिठाया रात में मूवी के सेकंड शो के बाद। वो लोग सेंट फिलोमिना के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे बहन मधु का कॉलेज है। इसका मतलब वो कॉलेज जहां ये पढ़ते हैं। पूरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी ईव मैग्नेट की तरह है और वो सिर्फ तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तुम्हारी चारों तरफ उलझने हैं मारन, होशियार रहो। आज कहाँ है तुम्हारा केस? चेलूर में। बिजी हो क्या? नहीं, बोलो ना। क्या मिल सकते हैं? हाँ, तुम यहाँ आ सकते हो क्या? तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। लेकिन मैं, हेलो हेलो, वो यहाँ अब क्यों नहीं आती? शायद उसे तुम्हारे बर्ताव से शक हो रहा होगा। तो तुम उससे मिलने जा रहे हो? मुसीबत है वो। कभी उसके घर गए हो? अभी जब मैं सारी बातों पे ध्यान दे रही हूँ तो पता चल रहा है कि वो दूसरों के घर पे ज्यादा रहती है। उसके माँ और पापा अलग हो गए हैं, माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैंने सुना उसके पापा के साथ रहती है। पर वो अपने घर पर रहती नहीं है। तुम्हें ये कैसे पता? वो बाल्टी मार रखी। तुम यहाँ कैसे? ऑफिस आया था चाय पीने। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? सुनो, मेरे साथ अंदर आओ, कुछ बात करनी है। हे, दरअसल मैं कहीं जाने की सोच रही हूँ। है? तुम साथ चलोगे? कहाँ? नॉर्थ में कहीं भी, ट्रेन से जाएंगे, ठीक है? तुम नॉर्थ ही क्यों जाना चाहती हो? साउथ चल सकते हैं। वो क्या कि मैं इस शहर से बाहर कभी नहीं गई। साउथ में ट्रैवल करने के लिए पैसे हैं? तुम्हारे नॉर्थ घूमने के पैसे?
पैसे लेंगे। तुमने मेरे फेसबुक में लॉगिन करके कुछ अनरीड मैसेज पढ़े हैं ना? नहीं तो? नहीं, मैं जब भी पासवर्ड चेंज कर रही हूँ हर बार लॉगिन कर रहा हूँ। कौन मैं? तो कौन मैं? तुम जब भी लॉगिन करते हो मुझे ओटीपी मैसेज आता है, तुम ये नहीं जानते? कितनी शर्म की बात है, ये सब करने की क्या जरूरत? कितना चीप लगता है ये सब कुछ। ओ, चीप लगता है? तरफ हो जाओ, वो मुझे देख नहीं ना पाए। उस तरफ मत देखो। क्या बात है? मैं जहां भी जाती हूँ ये मुझे ढूंढ लेते। किसी ने देख लिया तो क्या? उसने मुझे देख लिया। मरण सब खत्म हो गया। कुछ नहीं पूछना क्या? नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जब यहां से जाएंगे सब पता चल जाएगा। हर दम
ही साहिल हर बार दिल तुमसे बोले तेरे बिन है मुश्किल जीना सनम रे कहता हूँ सच मैं कसम से अब तो है तुझसे ही मेरी दुनिया लाज़िम तू है हमदम सांसों सहर हर दम दूर तू कभी न हो अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है मुझे तुम अच्छे लगते हो पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो तुम्हें देखकर मुझे कोई फीलिंग्स नहीं होती तुम मेरी टाइप की नहीं हो अब तक तो ऐसी फीलिंग्स नहीं आई है अगर तुम मुझे टच भी करोगे तो मुझे कुछ फील नहीं होगा मैं उसे समझ नहीं पाता संभल के रहना जरा Just be careful. तुम उसे कैसे जानते हो तुम उसे कैसे जानते हो उसे संभल के रहना मैंने पूछा उसे कैसे जानते हो तुझे वो खत्म करेगी तुझे मुझे वो लोग सबको खत्म करेंगे लड़की भगाने में तूने मेरी मदद की थी ना वो एक स्लट है वो चल पहले ना उसको खत्म कर देते हैं उसके बाद तेरी वाली को भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है वरना वो लोग हमें खत्म कर देंगे उसे ट्रैक करने के लिए मुझे इस फालतू चीज की जरूरत नहीं है वो जहां कहीं भी जाती है जिस किसी के साथ भी रहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो तुम तू डर गया ना मैं बस मजाक कर रहा था यार डर गया क्या
हेलो, ठीक हो? मारन, मैं आज फिर मेरे घर जा रही हूँ। मैं बैग पैक करके 3 बजे के आसपास कॉल करूंगी। तुम घर आके मुझे पिक कर लेना, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। हेलो, कुछ नहीं, बैठो ना। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। से ढूंढ रहा हूं, वो चली गई है। कहां चली गई है? मुझे नहीं पता। उसने अपना बैग पैक किया, कोई बाइक आई और उस पे बैठ के निकल गई। उसके जाते ही पापा परेशान हो गए। वो एक लड़की है, क्या तुम्हें पता है वो कहां गई है? पता नहीं। उसके मन में जो आता है वो करती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। पता नहीं कहां चली गई। मारन, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? सिचुएशन खराब है। पुलिस वाले पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। मेरे वकील ने बोला कि कुछ दिन मैं बाहर जाऊं। कोई बात नहीं, कुछ दिन महाराष्ट्र घूम के आऊंगा। क्या हुआ, तुम मुझे फिर से दुखी दिख रहे हो? नहीं, वो ईव लापता है। मैंने उसे हर तरफ ढूंढ लिया। ये तो रोज की कहानी है, अभी कहाँ ढूंढे उसे? अच्छा, उसके घर जाके चेक करो। आ, क्यों नहीं है? बस वो उसके भाई से पूछा तो उसने बोला। आ, क्या क्या हुआ? वो घर आ गई होगी, मैं देख के आता। उसके घर में जाओगे कैसे? छुपके से। अकेले मत जाओ। तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। हिम्मत रख,
ये तेरे साथ रहेगा। दिनों से तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। ये लो, मैं ये कुछ हफ्ते पहले ही लाई थी, पर तुम्हारे बिहेवियर की वजह से नहीं बताया। तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। अरे जाओ ऊपर, मैं आ रहा हूँ। सुनो, मैं चेक करके आता हूं। उस तरफ से आ। मरन, तुम जहां भी हो वहां से तुरंत निकलो। तुमने मुझे जो भी कुछ बोला था उसके बारे में मैंने पता कर लिया। हेलो 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 मरन, सुनो, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था वो तो ना उसका भाई है और ना ही उसका नाम इवन है। उसका नाम अरुण है। उसके पापा ने उससे कुछ पैसे लिए थे बिजनेस के लिए और वो बिजनेस डूब गया और उसके पापा फोर्स कर रहे उसके साथ रहने के लिए। ये तो क्या बकरा है। वो उस लड़की से प्यार करता है और उसे बदनाम करने में तुला है। उसके इससे पहले भी कुछ बॉयफ्रेंड थे, वो सब लापता है। वो खतरनाक है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते।
वॉच अच्छी लग रही है, तुम्हें पसंद आई? हुँ? क्या? मैंने कहा ये अच्छी लग रही है। हाँ। हम सो जाएं। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे अभी मार डालोगे। नहीं, तुमने खाना खाया? हमने साथ में ही तो खाया था, तुम भूल गए? हाँ। क्या हुआ? तुम सोचो। रमीज, रमीज उठो, रमीज उठो, रमीज। बनी, बनी, अजीज, अजीज।
मैंने तुझे मना किया था ना, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तूने क्या सोचा? तू मना करेगा तो मैं बाय बोल के चला जाऊं? अगर मैं कभी यहां से गया तो उसे साफ लेके जाऊंगा, देखना है तुझे, देखना से चले जाओ। ईव कहां है? वो मार देगा। ईव कहां है? चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। मैं ईव को लेने आया, उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। Thank you.
वजन था ऐसा वजन कभी किसी को ना मिले। अरुण आंजनी उसके चलने की आवाज सुनाई देती। वो हमेशा मेरा वेट करता था ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं। अचानक एक दिन वो ये जगह छोड़कर चला गया और बाद में वो बहुत सारे पैसे लेकर वापस आया। एक दिन जब उससे मिली तो उसे खून की बदबू आ रही थी। जब पापा उधार के बोझ तले दब गए तब माँ भी हमें छोड़कर चली गई। जब हम इस घर को खोने वाले थे तब उसने मेरे पापा को पैसे देकर उनकी मदद की। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, उसे वो घर चाहिए था ताकि उसमें वो अपना गंदा काम कर सके। पापा को उसने अपना नौकर बना दिया, ऐसा नौकर जो कहीं नहीं जा सकता। एक दिन जब टॉयलेट ब्लॉक हो गया तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने उस पर नजर रखनी शुरू की। उस दिन मैंने उसका एक और रूप देखा। रात में वो लोगों को मारता था और उसे जो चाहिए उनके शरीर से लेता था। उसके बाद वो उस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फ्लश कर देता था। उस दिन जब मैं रूम में गई तो मुझे जो बदबू आ रही थी वो मरते दम तक नहीं भूल सकती मैं। उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे किसी को ना बताने की धमकी दी और मुझे बहुत मारा, पर उसने मेरी जान नहीं ली। जब मैं उठी तो तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर कुछ रेंग रहा है। उसके बाद मैं जहां भी जाती उसे पता चल जाता। शायद उसे ये भी पता हो कि अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चलता था। उसने उन सबको मार दिया जिन्हें मैंने कुछ भी बताया था। इसलिए मारन, मैंने तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी मारन। पीरियड्स आए हैं? मैं चेंज करके आती हूँ।
हेलो सर, मैं आपको कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अर्जेंट था इसीलिए मैं आपको बार बार कॉल किए जा रही थी सर। बात यह है कि मेरी बॉडी में जो चिप लगा था आप उसके रिसीवर हैं और आपके चिप का रिसीवर मेरे पास है, वो गलती से एक्सचेंज हो गया। आप आज फ्री हैं सर? है तो आज ही आपको दे दूंगी। मेरी नौकरी खतरे में है सर, आप सुन रहे हैं ना सर? हेलो, मुझे नहीं पता। अब से ये मेरे पास रहेगा। बोल जा। चले। तुम्हारे लिए कुछ लाने गया था। खोलो। ये क्या है? ये वो चीज है जो यहां पर थी और तुम्हें टेंशन दे रही थी, इसलिए अब इसे कहीं फेंको और तुम में जितना भी गुस्सा है वो इस पे उतार दो। ओके। Hey, मारन। हाँ चल डांस करते हैं ना। गाना कौन सा? अरे तू आ ना यार, बजाना भाई। डांस करें। ये कौन दुश्मन एरिए में आया रे, नारियल के पेड़ों पर कर रहा जो कब्जा रे, सारे इलाके का मैं हूँ मुखिया रे, मैं इस गांव का हूँ काला हीरा रे, काली है नीयत धंधा है काला रे, पैदा हुआ यहाँ बंदा मैं काला रे, काढ़े सा दाढ़ा चीरो ते सा कड़वा रे, बेमती लागे में है मेरा जलवा रे, दही था दही था दही था दही था दही था दही था था दही था दही था दही था दही था दही था दही था था कटी फसल छुपा रखी होता को रख धंधा
मुशहरी को कैद में रखता कोई बंदा, गहरा नहीं चुम रही फिर सा फसल भैया, सड़ने ना देंगे गोदामों में ये फसल भैया, चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता। आज बड़ा सुख मिला नाचूंगा मैं भैया, जश्न मने धूम मचे जल्द करो भैया, खुशियों के हैं दिन ये बड़े खुशियां मारो भैया, पर्व सा त्योहार सा माहौल है ये भैया, चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता। आज बड़ा सुख मिला नाचूंगा मैं भैया, जश्न मने धूम मचे जल्द करो भैया, खुशियों के हैं दिन ये बड़े खुशियां मारो भैया, पर्व सा त्योहार सा माहौल है ये भैया, चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना चिंता ना।